आज डाउटनेट आप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। स्टूडेंट्स, सवाल हमें दिया गया है, एक द्रव्यमान रहित धागे की रील गुरुत्व के अधीन गिरती हुई खुलती जाती है, तो उस रील का त्वरण क्या होगा? चार ऑप्शन दिया गया है हमको, ठीक है? चारों क्या गुरुत्व त्वरण के रूप में दिया गया है, ठीक है? तो देखिए, यहाँ जैसा परिस्थिति दिया गया है उसका चित्रण करते हैं, ठीक है? ये मान लीजिए कि एक धागे का रील है, ठीक है? ये एक धागे का रील है जो यहाँ पे खुलते जा रहा है, ठीक है? नीचे मान लीजिए कुछ द्रव्यमान लगा, ठीक है? इसका द्रव्यमान मान लीजिए नीचे यहाँ पे m है इसका, तो mg नीचे की ओर लग रहा होगा, ठीक है? अब क्या हो रहा है, ये देखिए, इसमें कुछ तनाव ऊपर की ओर लग रहा होगा t, ठीक है? रील यहाँ पे खुल रहा होगा, इसका कुछ कोणीय क्या होगा, कोणीय त्वरण होगा मान लीजिए अल्फा, और ये नीचे की ओर त्वरित हो रहा है, ठीक है? ऐसे नीचे की ओर खुल रहा है, ऊपर यहाँ पे टी लग रहा है। तो देखिए, यहाँ पे इस बिंदु के सापेक्ष जो मेरा इसका क्या होगा, जड़त्व आघूर्ण होगा, वो किसके बराबर होगा? टाउ जो होगा वो आई अल्फा के बराबर होगा, ठीक है? टाउ बराबर आई अल्फा होगा, ठीक है? जो बल आघूर्ण होगा मेरा टाउ, वो जड़त्व आघूर्ण गुना कोणीय त्वरण के बराबर होगा, ठीक है? अब देखिए, ये जो गोला है, ठीक है, ये जो मेरा, इसके लिए आई क्या होगा मेरा, आई का मान होगा मेरा एक बटा दो एम आर स्क्वायर, ठीक है? मान लीजिए इसका त्रिज्या कितना है, आर है, ठीक है, एम आर स्क्वायर। और अल्फा कितना हो जाएगा, अल्फा जो होता है ए बटा आर के बराबर होता है, ठीक है? ए बराबर आर अल्फा होता है, ठीक है? ए मेरा त्वरण है, आर इसका त्रिज्या है, अल्फा इसका कोणीय त्वरण है, ठीक है? अब देखिए, इसका जो ये सेंटर है, मतलब केंद्र बिंदु है, इसके प्रति जो मेरा इसका आघूर्ण होगा, ठीक है, बल आघूर्ण, वो कैसे मिलेगा? वो मिलेगा बल गुना उसका दूरी, ठीक है? यहाँ पे बल मेरा टी लग रहा है, तो टी गुना आर, आर उसका केंद्र से दूरी है, बराबर हो जाएगा टाउ, मतलब टी आर हो गया। आई कितना है, आई मेरा एक बटा दो एम आर स्क्वायर है, और ये किसके बराबर है, अल्फा, अल्फा है मेरा ए बटा आर के बराबर, ठीक है? तो यहाँ से ये आर और ये आर कट गया, ये आर और ये आर कट गया, ठीक है? तो यहाँ से टी मेरा कितना आया, जो मेरा तनाव आ गया वो आ गया एम ए बटा दो के बराबर, ठीक है? अब देखिए, यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, इस बिंदु पे न्यूटन का गति का दूसरा नियम लगाते हैं, ठीक है? हम लोग क्या कर रहे हैं कि देखिए, नीचे की ओर त्वरण हो रहा है, इसका नीचे की ओर गिर रहा है, तो नीचे का हम लोग धनात्मक मान लेते हैं, तो नीचे की ओर कुल बल कितना लग रहा है, एम जी माइनस टी बराबर कितना हो जाएगा, एम ए के बराबर हो जाएगा, ठीक है? यहाँ से टी का मान रख दीजिए, एम जी माइनस एम ए बटा दो बराबर एम ए, ठीक है? इसको इस तरफ ले आइए, सबसे पहले एम उभयनिष्ठ है, तो एम कट जाएगा पूरी तरफ से, तो हो जाएगा जी बराबर ए जोड़ ए बटा दो, ठीक है? यानी कितना, ए जोड़ ए बटा दो, तीन ए बटा दो। तो यहाँ से ए का मान कितना है मेरा, ए का मान आ गया दो जी बटा तीन के बराबर, तो जो रील का त्वरण होगा वो दो जी बटा तीन के बराबर होगा, ठीक है? यही हो गया हमारा आंसर। तो देखिए, कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा, दो जी बटा तीन के बराबर, दो जी बटा तीन ऑप्शन नंबर सी मेरा सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है? कक्षा छठी से बारहवीं से लेकर नीट IIT JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400400400 पर।